हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको अपना एनपीएस रजिस्ट्रेशन करना है, यानी एनपीएस में अकाउंट ओपन करना है अपने पैन कार्ड जनरेट करने के लिए, यानी पैन नंबर आपको कैसे मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। गूगल में आपको जाना है और आपको enps.nsdl.com आपको लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक भी हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको नेशनल पेंशन सिस्टम, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड विथ, यहाँ पे आपको आधार ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन KYC पे ही क्लिक रहने देना है। अगर आप परमानेंट अकाउंट नंबर इस पे क्लिक करते हैं या डॉक्यूमेंट विथ डिजी लॉकर पे क्लिक करते हैं, तो आपको नोडल ऑफिस में जा करके आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना होता है। अगर आप आधार ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन eKYC पे क्लिक करते हैं, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन eKYC पे रहने देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप है। अगर आप इंडिविजुअल सब्सक्राइबर हैं तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक रहने दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए, हम यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक अलर्ट आएगा, इसको आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें आप यहीं पे सिटीजन ऑफ इंडिया रहने देना है। उसके बाद आपको अकाउंट टाइप है, यहाँ पे ट्रायल 1 एंड ट्रायल 2 है और यहाँ पे ट्रायल 1 ओनली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायल 1 ही खोलते हैं, ट्रायल 2 अकाउंट हम बाद में भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे ट्रायल 1 पे रहने देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हाउ डिड यू हेयर अबाउट एनपीएस, यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको सजेशन दिया है। अगर आपको फ्रेंड या फैमिली सजेशन दिया है एनपीएस अकाउंट के लिए, तो आप फ्रेंड या फैमिली पे क्लिक कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आपको जानकारी मिला है, तो सोशल मीडिया आप क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, फाइनेंस एडवाइजर या इम्प्लॉयर, आपको जो भी माध्यम से आपको एनपीएस अकाउंट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको प्रोत्साहन किया गया है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, हम यहाँ पे एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेना है, जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट चूज कर लेते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेना है। यहाँ पे 3 ही स्टेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। चलिए, हम यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेते हैं। स्टेट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे DDO ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो DDO ऑफिस सिलेक्ट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और आपको ऑफिस से अपना DDO नंबर आपको ले लेना है, ठीक है दोस्तों। जो भी आपका DDO नंबर होगा वो आपको अपने कार्यालय से, वहां से आपको अपना DDO नंबर मांग लेना है। आप अपने कार्यालय में जाइए और वहां पे आप अपने ऑफिसर को बोल करके, पदाधिकारी जो भी हो उनसे बोल करके आप अपना वहां से DDO नंबर ले सकते हैं। जैसे ही DDO नंबर आप डालिएगा, आपका यहाँ पे DDO नेम आ जाएगा, DTO नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको DTA नेम, मिनिस्ट्री वगैरह सारा जो भी आपका यहाँ पे शो कर रहा है, सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हम DDO नंबर डाले, यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब हम यहाँ पे आधार नंबर डाल दिए। आधार नंबर डालने के बाद जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में हम टिकआउट करेंगे। टिकआउट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मेरा ओटीपी जा चुका है। अब उस ओटीपी को इंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में हमको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो आपका यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ पे है, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल है, बैंक एंड अदर डिटेल है, स्कीम एंड नॉमिनेशन डिटेल है।
डॉक्यूमेंट अपलोड है और फोटो सिग्नेचर डिटेल है और डिक्लेरेशन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप में आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालना है। ठीक है दोस्तों, आधार के अनुसार आपका पर्सनल डिटेल ऑलरेडी कुछ कुछ यहाँ पे फिल रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पे फिल होगा, एप्लीकेंट का यहाँ पे जेंडर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको टाइटल चूज कर लेना है। टाइटल चूज करने के बाद आपको यहाँ से एप्लीकेंट इज ऑर्फन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑर्फन है तो ऑर्फन पे यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में कंट्री चूज कर लेना है, कंट्री ऑफ बर्थ, जहाँ आपका बर्थ हुआ है जिस देश में वो आपको चूज कर लेना है। ऑब्वियसली इंडिया ही रहेगा तो इंडिया हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। अगर आप मैरिड है तो आप यहाँ पे मैरिड पे क्लिक कीजिए, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड पे किनका नाम आपको रखना है उनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। चलिए यहाँ पे फादर नेम अगर रखना चाहते हैं तो फादर नेम रहने दे, अगर मदर नेम करना चाहते हैं तो मदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। ये स्टेप आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इधर में आपका यहाँ पे फैमिली डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल में यहाँ पे अपना फादर का टाइटल यहाँ पे चूज कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालिए। उसके बाद अपने मदर का टाइटल यहाँ चूज करिए। टाइटल चूज करने के बाद आपको अपने मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जब नीचे में आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर, आइडेंटिटी डिटेल में आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद नीचे में लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, इसमें आपको अपने आधार का लास्ट 4 अंक आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी आप डीडीओ वहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो आपका यहाँ पे डीडीओ नेम यहाँ पे शो करेगा, आपका डीडीओ रेंज नंबर आपका यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ सब्सक्राइबर यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे रिसीप्ट डेट यानी जिस डेट में आपका रिसीप्ट जनरेट हुआ है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से रिसीविंग आपका डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका रिसीविंग यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। कॉन्टेक्ट डिटेल का फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्टेक्ट डिटेल का यहाँ फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको यहाँ पे आपका जो भी डिटेल जैसा भरा रहेगा वैसा ही आपको छोड़ देना है। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपके हिसाब से कोई अगर ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आना है और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर पे टिकआउट लगाना है और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ से अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, दोनों पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी डाल करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है और अपने ईमेल आईडी को भी आपसे वेरीफाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, वेरीफाई करने के बाद नीचे में यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आधार के अनुसार यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक एंड अदर डिटेल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले फॉर्म को आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अदर डिटेल में आपको इनकम रेंज यहाँ पे डालना है। जो भी आपका इनकम रेंज होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है तो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन कीजिए। अगर आप रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है तो आप यहाँ से दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। जो भी आपका सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट डालना है। उसके बाद आपको नीचे में आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अपना सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट डालिए। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे में आपका ब्रांच का पिन कोड डालिए, स्टेट चूज कीजिए और कंट्री चूज कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक टू आधार, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कीम एंड नॉमिनेशन डिटेल पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्कीम सिलेक्शन टाइप में आपको यहाँ पे डिपकार्ड कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे स्कीम अगर आपको चूज करने आता है तो सिलेक्शन बाय सब्सक्राइबर पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना जो स्कीम है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिपकार्ड कर देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से डिपकार्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक है जो पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन है
यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे डालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। अगर वो मेजर है तो मेजर कीजिए, अगर माइनर है तो माइनर कीजिए। उसके बाद आपको उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद नॉमिनी का एज डालना है, रिलेशनशिप क्या है उनके साथ वो डालना है। आप उनको नॉमिनी को कितना परसेंट आपका पेंशन देना चाहते हैं, आपका उनका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है दोस्तों। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट और कंट्री चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, दूसरा है कैंसिल चेकबुक आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैंसिल चेकबुक नहीं है तो आप यहाँ पे अपना फोटो कॉपी पासबुक का कर करके फ्रंट वाला वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और चौथा जो डॉक्यूमेंट होने वाला है वो है एम्प्लॉय आईडी कार्ड, जो भी एम्प्लॉय का आईडी कार्ड है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चार डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और इसका जो साइज होगा 4 KB से लेके 2 MB के बीच में होगा, आप इसका ध्यान दीजिए। और इसका फॉर्मेट है जेपीजी, जेपी जेपीजी, जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट, ये 3 फॉर्मेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर वाला यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे जो फोटो आता है वो आपका आधार कार्ड वाला फोटो यहाँ पे आ जाता है। इसको आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये डालने का ऑप्शन ही नहीं देता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालने का एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर डालना पड़ता है, जिसका साइज होता है 4 KB से लेकर के 5 MB, यानी इसके बीच में आप यहाँ पे सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोडेड हो गया है, सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार आपका फॉर्म प्रीव्यू पे जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ से सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिला लेना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई भी डिटेल अगर गलत होता है तो आप यहाँ से एक बार एडिट करने का यहाँ पे मौका देता है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहले पर्सनल डिटेल में लाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल में आ जाता है, यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अपना सारा डिटेल इसी प्रकार से आपको चेक करते जाना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है दोस्तों। सबसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर, इस पे आपको टिकट लगा देना है। टिकट लगाने के बाद यहाँ पे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको। अगर आपको एनुअली स्टेटमेंट अगर आपको ईमेल पे चाहिए, सिर्फ ईमेल पे चाहिए, तो आप यहाँ पे टिकट रहने दीजिए। अगर आपको एनुअली ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट फिजिकली रूप से चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ईमेल पे चाहिए तो यहाँ पे ईमेल पे रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे सब्सक्राइबर का नाम शो कर रहा है, एक्नोलॉजमेंट नंबर शो कर रहा है और एक्नोलॉजमेंट नंबर जनरेशन डेट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन ऑफ सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे आपको टिकट रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा रहा है, कैप्चा को आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट बार यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो ओटीपी है जो ईमेल पे और मोबाइल नंबर दोनों पे भेजा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको दोनों ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका जो फॉर्म है, जो आपने एनपीएस में जो जो फॉर्म फिलअप किया है उसका फॉर्म है, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जो जो आप डिटेल भरे हैं वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नीचे जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट भी आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको 7 से 10 दिन का वेट कर लेना है। अगर इस बीच में आपका अगर प्रान नंबर जनरेट नहीं होता है तो आपको अपने ऑफिस के थ्रू, अपने जो भी नोडल ऑफिस होगा, यानी जो भी आपका कोषागार होगा, ट्रेजरी होगा, उसमें आपको एक लेटर आपको भेजवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। वहां पे आपका अपना जो एप्लीकेशन नंबर होगा, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, वो आपको मेंशन करके आपको लेटर बना करके फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। वो आपको ट्रेजरी वाला आपका जो
एप्लीकेशन नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, उसको आपको अप्रूव कर देगा। जैसे ही अप्रूव कर देगा आपका प्लान नंबर वहां पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।